गाइज, हम हमारे डेली लाइफ में इस तरह के कुछ सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि ये जैसा है वैसा ही रहने दो, मुझे बोलने दो वो कहाँ है, आज मुझे अपने साथ घर आने दो। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने से पहले आपको पहले इसके सेंस को समझना पड़ेगा। इसके सेंस यही होती है ना कि हम दूसरे को कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कुछ कमांड देते हैं, यानी होने देना या फिर करने देना या फिर आज्ञा देना के सेंस में ये सेंटेंसेस सब यूज़ होता है। सो इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा लेट वर्क की। चलिए इसका यूज़ करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ कर देनी है वर्क की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इससे और भी बेहतर समझते हैं। उन्हें वो करने दो जो वो चाहते हैं। Let them do what they want. आज मुझे अपने साथ घर आने दो। Let me come home with you today. हर किसी को उससे सवाल पूछने दो। Let everyone ask questions to him. ये जैसा है वैसा ही रहने दो। Let it be as it is. उससे पहले हालत को समझ लेने दो। Let him understand the situation first. मुझे देखने दो वो कहाँ है। Let me see where he is.